अबे क्या नशा फूंक कर मूवी बनाते हो क्या? मतलब कुछ भी बना रहे हो, हीरोपंती की जगह गटरपंती इस मूवी का नाम रख लेते, कुछ ना कुछ तो पसंद आ जाता लोगों को इस मूवी के बारे में, गटरपंती शायद इससे रिलेट कर पाते, क्योंकि इस मूवी में गटर से भी ज्यादा गया गुजरा इसके अंदर मतलब देखने को मिला। इतनी वाहियात मूवी, अरे कचरा भी नहीं कह सकता इस मूवी को, कचरा कुछ ना कुछ काम तो आ जाता है, ये मूवी उसके लायक भी नहीं है। इतनी वाहियात मूवी बनाई है यार, गुस्सा आ रहा है यार। ये मूवी देखिए, 2.5 घंटे लगाए इस मूवी को देखने के लिए, ऊपर से पैसे और बर्बाद के, मतलब मैं अपना पैसा दे रहा हूं ये कहकर कि भैया मैं अपना दिमाग खराब करने जा रहा हूं साजिद नाडियावाले की मूवी देखना, यानी ये समझो भैया तुम अपने दिमाग की बत्ती मतलब उसकी तो बैंड बजाने जा रहे हो। इस तरीके की मूवी वो बनाते हैं, कुछ टाइम बाद अवार्ड बनेगा साजिद नाडियावाला, ये उन लोगों को दिया जाएगा जो वाहियात से वाहियात घटिया से घटिया मूवी बनाएंगे, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। और सच में साजिद नाडियावाला सही जा रहे हैं अपने टाइम, मतलब कि इस तरीके से भाई मुझसे घटिया मूवी तो कोई बना ही नहीं सकता, और वो इसके ऊपर कायम है। इतनी घटिया 2022 के अंदर हम ये मूवी देख रहे हैं जिसके अंदर हमें मतलब एक तरीके से वो डबल मीनिंग जोक हमें सुनने को मिल रहे हैं, और इतने घटिया वो एक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। ना कोई स्टोरी इस मूवी के अंदर है, ना कोई परफॉर्मेंस इस मूवी के अंदर है। अरे नवाजुद्दीन सिद्दीकी यार, उनको देखकर बुरा लग रहा है यार, इतने बढ़िया कलाकार है, उनसे परफॉर्मेंस क्या करवा रहे हो तुम? सोच समझ कर कुछ तो करवा लो, कुछ अच्छे से यूटिलाइज कर लो। इतने बढ़िया कलाकार है, उनका भी सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाए यार। वो जो सीन इसके अंदर देखे मैंने, सरदर्द है यार, सरदर्द। मतलब कुछ भी कहीं की कहानी, कुछ भी चल रहा है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि कहाँ थी कहानी, अब एकदम से कहाँ पहुंच गई है। और मतलब जनता को तो पागल समझ रखा है। हॉलीवुड के सीन इसके अंदर घुसेड रखे हैं, वो एक लैपटॉप वाला एक सीन जिसके अंदर बबलू के गन के मतलब सर के ऊपर गन रखी जाती है और साथ में लड़कियां बिठा दी जाती है कि भैया हैक करो, हमें तो पता नहीं चलेगा ना कि कौन सी मूवी से उठाया है। जनता तो पागल है, भारत की जनता ने तो हॉलीवुड देखा ही नहीं होगा, उनको क्या पता चलेगा भैया हमने कौन सी मूवी से उठा के ये कॉपी करके रख दिया इसके अंदर। वाह भाई वाह, क्या मूवी बनाई है यार, क्या मूवी बनाई है, कचरा कचरा भी नहीं कहूंगा, क्या घटिया मूवी बनाई है यार। वही सेम एक्शन इस मूवी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, वही डबल मीनिंग जोक इस मूवी के अंदर सुनने को मिल रहे हैं। 2022 में वैसी चीजें दिखाकर हिट करने की बात आती है भाई। ये शुरुआत हुई इतना इस मूवी की, सच कहूं जैसे ही शुरुआत हुई इस मूवी की पता चल जाता है मूवी कैसे जाने वाली है, इतना वो बोरियत फील हुआ है। पहले तो थिएटर खाली थे, कुछ लोग उसमें बैठे हुए थे, उनको भी इस मूवी ने भगा दिया कि भैया भागो यहाँ से, तुम्हारे लिए मूवी नहीं है, ये पागलों के लिए मूवी बनी है जो शायद इसको टॉलरेट कर ले। और मैं तो हैरान हूँ यार, कौन डिमांड करता है ऐसी मूवी की? और मतलब उनके पास कोई दिमाग वाला बंदा नहीं बैठा होता जब ये मूवी बना रहे होते हैं, ये सोच नहीं रहे होते कि यार जनता को क्या पसंद है, रिसर्च करके नहीं बैठते क्या तुम लोग कि जनता क्या देखना चाह रही है? ये वाहियात ये देखेगी जनता जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं यहां पर ये बात नहीं करूंगा कि इसके अंदर लॉजिक नहीं है या फिर इसके अंदर फिजिक, वो तो साइड में रखो ना यार, वो मैं करता भी नहीं हूं। एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, इसमें तो एंटरटेनमेंट का ई भी नहीं है, इनको पता भी एंटरटेनमेंट होता क्या है? अरे यार पैसा बर्बाद कर रहे हो यार, मुझे तो इतना दुख हो रहा है ये देखकर, इतना सारा पैसा बर्बाद कर दिया जाता है, इतनी ये भैया क्या क्या के मैं थक गया मेरे, ये तो छोड़ो यार। मूवी देखते वक्त यार उबासी आ रही थी मेरे को, मेरे यार नींद आएगी इस मूवी को देखते देखते। स्किप वाला एक ऑप्शन देना चाहिए था इनको कि भैया कोई स्किप करना चाहे तो जनता हाथ उठाए और हम इस मूवी को आगे स्किप कर देंगे। सच में इस मूवी को स्किप कर देना चाहिए, ना इसके गाने, ना परफॉर्मेंस, ना स्टोरी, ना एक्शन, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस तुम अपना सरदर्द मतलब लेने जाओगे इस मूवी को जब देख रहे होगे कि हाँ लो भैया मैं पैसे दे रहा हूं, मुझे सरदर्द चाहिए, और आपको ये सरदर्द देती है ये मूवी, उसमें तो एक खरी उतरती है। अबे लोग जो इसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, जिनको बैठना चाहिए, इनके मेकर्स को बैठना चाहिए रियल में जनता के पास, वो इनको इतना सुनाएंगे, इतने पैसे बर्बाद कर रहे हो भाई यार। ये मूवी आज की टाइम में ये मूवी दिखा रहे हैं हमें, 0 out of 10 इस मूवी को मैं देना चाहूंगा। ऊपर से जाकर IMDb पर रेटिंग चेक करो, 1.5 की रेटिंग चल रही है, लोगों ने गालियां भर रखी हैं वो अलग से। इस मूवी को भाई मेकर्स को पढ़ना चाहिए, जब इसका ट्रेलर आया था ना तभी पता चल गया था यार किस लेवल पे जाने वाली है। उस वक्त नहीं बोला था क्योंकि यार फिर वही होता है ना कि कवर देखकर बुक के बारे में डिस्कस मत करो वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ डायलॉग्स है, तो भाई मैं नहीं करना चाह रहा था। मैं तो चाह रहा था कि जो मूवी आए तभी बात करेंगे, और आ गई, कचरा आ गया। कचरा भी क्या कहूं, मतलब अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों का सरदर्द कैसा रहा, अभी ठीक हुआ कि नहीं हुआ। और जिन्होंने नहीं देखी है तो भाई मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज
प्लीज यार ये मूवी मत देखने जाना। मैं मेरे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है बॉलीवुड से, मुझे पता है वो खत्म हो चुका है, बायकॉट करने की जरूरत भी नहीं है। मुझे पता है यार इनके पास वो मतलब रहा ही नहीं है कंटेंट, कचरे से कचरा कंटेंट इनके पास रखा हुआ है। कॉपी पेस्ट मारेंगे और ऐसी ऐसी वाहियात मूवी बना के हमारे सामने रख देंगे। यार सरदर्द लेना चाह रहे हो तो बेशक जाओ इस मूवी को देखने, वरना मैं तो एक सलाह दूंगा बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। ये पैसा लेकर किस मतलब कि उसको कई सही काम में यूज कर लो, कुछ खा लो उसका, लेकिन ये मूवी मत देखने जाना यार, सरदर्दी होगा, बिल्कुल घटिया मूवी है। तो मेरी तरफ से तो मैंने जैसे कहा 0/10। तो बस आज के लिए इतना ही, रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।